क्या हुआ है हनीफा, कोई खबर मिली? नहीं बाजी, अब तक कोई खबर नहीं आई है। मैं खुद इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मैं आज बहुत हैरान हूँ कि यहाँ पर सब लोग चुप क्यों हैं। खिजर साहब की तबीयत कैसी है, शिफ्टिंग के चक्कर में पूछना ही भूल गई। मतलब तुम लोग शिफ्ट हो गए? अल्लाह एक तरफ से तुम्हें देता है तो दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ ले लेता है। नसु, शिफ्ट हो गए हो, अब देखना यह है कि तुम वहां सुकून से रह भी पाओगे या नहीं। बाजी नहीं हनीफा, कुछ नहीं। खिजर के गिरने से थोड़ी बहुत तब्दीली तो आई होगी, मगर खैर इसीलिए मैंने भी तुम्हें फोन नहीं किया। प्लान चेंज किया है क्या? तो मुझे बताएं मुझे क्या करना है। नहीं, चेंज कुछ नहीं हुआ। तुम बस खामोशी से बैठो और मेरे फोन का इंतजार कर। अगर कुछ हो तो मुझे फौरन खबर कर देना। ठीक है, सलामत रहो। फिरात, मीरान अभी तक वापस नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। हॉस्पिटल में है अभी तक? नहीं दादी जान, मुझे नहीं मालूम। वो अस्तबल से घोड़े लेकर निकले हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए हैं। कसम से तुम्हारी बहू तो बड़े कमाल की है अजीजा खानम। जब भी इधर उधर टेंशनों को देखती है तो अपना दिमाग चलाती है। वैसे देखा जाए तो वो खुद भी बहुत परेशान रहती है, इसीलिए वो अपने शौहर को लेकर घोड़े पर बैठती है और फिर पहाड़ों पर चली जाती है। तो अच्छा है ना, तुम भी ये सोच सोच कर हंसती रहा करो। कसम से मैं तो बहुत ही ज्यादा हंसती हूँ। रोजाना कोई ना कोई नया खेल देखने को मिलता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे ये प्ले ग्राउंड है। खैर कोई कुछ भी करे, जिए या मरे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। और पहले आप अपना तो बताएं। तुम्हें मेरे मामलात से क्या लेने देना? खिजर शादोलो मर गया तो फिर बताएं आप क्या करेंगी, क्या एक्शन लेंगी आप? क्योंकि अगर वो मर गया तो फिर मीरान भी नहीं बचेगा। आपको पता है कि ये हमारी खानदानी दुश्मनी है, खून का बदला खून है अजीजा खान। अगर किसी का खून बहेगा तो मेरा बहेगा। मेरे खून बहने से तुम्हें क्या मसला लाहक हो सकता है? मैंने इस खानदान को अपने 3 बेटे दिए, तुमसे तो एक भी ना दिया गया। वक्त के साथ साथ आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। आपको कुछ याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आपका बेटा मुझे कितना मारता था? उसने इस्त्री भी लगाई थी जिसकी वजह से मेरा बेटा मर गया, याद है आपको? और अब आप मुझे ये कह रही हैं कि मैंने इस खानदान को एक बेटा तक नहीं दिया? आपको याद है उस वक्त मैंने आपके आगे हाथ जोड़े भीख मांगी कि एक बार मुझे मेरे बेटे को देखने दो? किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे बेटे को ले जाकर मिट्टी में दफन कर दिया। देख लो, ये है तुम्हारी दादी,